खबर है जनपद रामपुर से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। यहां एक तेज रफ्तार कार पोल को उखाड़ते हुए खाई में जा गिरी है और मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर में तेज रफ्तार कार हाईटेंशन वायरलेंस विद्युत पोल को उखाड़ते हुए खाई में पलट गई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और बाकी 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। हालांकि कार में सभी लोग मुरादाबाद के डिलारी की निवासी हैं। इस दौरान रामपुर एसपी अशोक कुमार ने बताया कि इस हादसे के शिकार सभी लोग अजीत नगर थाना क्षेत्र के आगा में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इसी के साथ एसपी अशोक कुमार ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल रामपुर में चल रहा है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। आज थाना अजीम नगर अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। यह गाड़ी है UP 85 AF 2115 इनोवा गाड़ी है, ग्रे कलर की। ये बहुत तेज गति से जा रही थी। मैं तो मौके पर गया था, यही देखने गया था कि घटना की वजह क्या है। तो वजह शुद्ध रूप से यही निकल गया है कि बहुत स्पीड में थी गाड़ी, डिसबैलेंस हो गई। पहले उसने ये पोल को तोड़ा, बिजली का पोल था, फिर उसकी उससे भी नहीं रुकी, बगल में पेड़ था, पेड़ को भी उखाड़ दिया। लेकिन इस क्रम में गाड़ी की बहुत दुर्गति हो गई। इसमें 11 लोग बैठे थे, 6 की तो मृत्यु कन्फर्म हो गई है। हमें लग रहा है 3 व्यक्ति और हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है। 2 बच्चे बचे हैं उसमें से, दोनों सेफ हैं, 2 तो बिल्कुल सेफ हैं, 3 के बारे में भी हम डाउटफुल हैं। सबको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पे 4 दरोगा लगाया मैंने कि जल्दी से पोस्टमार्टम हो जाए। ये लोग डिलारी मुरादाबाद के थे, बारात में आगा गांव है अजीम नगर, वहां जा रहे थे। ये पूरा परिवार ही उनका उजड़ गया। मेरी पूरी सद्भावना है परिवार के साथ। लेकिन यही है कि ये गति है, गति काल भर गई, वो पूरे परिवार को उजाड़ दिया। मेरी सबसे यही अपील है गति पे नियंत्रण रखें, बाकी हम पूरी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।